रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। टूरिस्ट के लिए यूजफुल और इम्पोर्टेंट न्यूज़ लाने वाले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन वो भी प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिले। और आज आपको हम भारत की मिनी इंडिया के नाम से सुप्रसिद्ध अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसकी यात्रा पर जा रहे हैं और यात्रा करेंगे पोर्ट ब्लेयर से बाराटांग की। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसलिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। यदि आप इसमें बाराटांग के अंदर मैग्रो क्रीक देखना चाहते हैं, मड वोल्केनो देखना चाहते हैं, पेरोट आइलैंड देखना चाहते हैं और इसके साथ है लाइम स्टोन जो केव है वो जानना चाहते हैं उसके बारे में, इसके अलावा जरावा जंगल, जरावा जनजाति और इसके अलावा रंगत आइलैंड, डिगलीपुर, बाराटांग, जीरकाटांग, मिडिल स्टेट, मायावंडूर और रोस स्मिथ आइलैंड की यात्रा कर रहे हैं, तो यही मार्ग आपको चुनना पड़ेगा। यह एरिया जरावा या जड़ावा जनजाति के लिए रिजर्व है, तो यहाँ जो कॉनवे गुजरती है, यदि आप सिंगल में गुजरना चाहें या गाड़ी से गुजरना चाहें तो आप, ये प्रतिबंधित एरिया है तो इसका निर्धारित समय है। तो ये जो चेक पोस्ट आप सामने देख रहे हैं, यहाँ आपको पोर्ट ब्लेयर अर्ली मॉर्निंग 3 बजे या 4 बजे रवाना होगा और 6 बजे तक ये जीरकाटांग क्षेत्र है यहाँ पहुँचना होगा। और यहाँ आपको कॉनवे के अंदर यानी सात सभी 500-700 जो कार बसेज है उनको यहाँ एक साथ जरावा जंगल है उसमें से गुजारा जाता है। तो इसके लिए आप बस में भी आ सकते हो या निजी टैक्सी हायर करके भी आ सकते हो, शेयरिंग में भी आ सकते हो, जैसा भी आपको बन पड़े वैसा आ सकते हो। तो मैंने शेयरिंग टैक्सी में यात्रा की और यहाँ का जो अनुभव रहा बहुत ही इनक्रेडिबल रहा, इसलिए ये वीडियो बहुत ही उत्साहित होने वाला है। लोग जरावा जनजाति को देखना चाहते हैं और साथ में मैंने जो यहाँ के जो रमणीय स्थल है उनके बारे में स्टार्टिंग में बोला था, चित्र सहित बताया था, वो आगे आते जाएंगे मैं बताता जाऊँगा। यदि आप उसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए आप यदि बस से यात्रा करना चाहते हैं, सरकारी बस STCS स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस की बस चलती है, लाल रंग की बस आती है और उसके द्वारा भी यात्रा कर सकते हो। उसके लिए आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे अपने होटल से बस स्टैंड आना होगा और उसके बाद यहाँ 6 बजे से पहले एक फर्स्ट कॉनवे गुजरता है, दूसरा 9:30 बजे पहुँचता है और तीसरा 12:30 और चौथा है 3 बजे। तो ये कॉनवे का टाइम है, एक साथ सभी वाहनों को पुलिस की हिरासत यानी सुरक्षा के अंदर सेना की सुरक्षा के साथ गुजारा जाता है क्योंकि जरावा जनजाति कभी भी खतरनाक हो सकती है। तो ये जो लंबी सी लाइन देख रहे हो पूरी बहुत ही लंबी लाइन है, वो ये इस जंगल में गुजरने के लिए 6 बजे तैयार होती है। और आपको मैं नक्शा के द्वारा बताना चाहूँगा कि इसका एक ही हाईवे है, ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड, जो आपको ये अंडमान 4 भागों में बांटा गया, नॉर्थ, मिडिल, साउथ और लिटिल। तो ये जो साउथ अंडमान है उसके अंदर इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उससे आपको बाराटांग की यात्रा करवा रहा हूँ, इसमें आप देखिएगा। और जो 100 किलोमीटर के लगभग है बाराटांग, और उसमें आप लाइम केव और मड वोल्केनो और इसका बाराटांग क्षेत्र है वो मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ आपको सुपारी और नारियल की वनस्पति के पेड़ आपको मिल जाएंगे और जंगल बहुत ही शानदार है और यहाँ की यात्रा एक अलग ही अनुभव आपको कराएगी। जरावा जनजाति भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित जनजाति है जो कभी भी हिंसक होती है, हिंसक हो सकती है, इसलिए आप उनकी फ़ोटो न खींचें, वीडियो न बनाएं। और इसके संबंध में कई केस दर्ज हो चुके हैं। और ये 4 नंबर हाईवे पर आप जहां ये चौकी है जहां से आप गुजार जाते हैं तो वहां टॉयलेट की भी सुविधा है, यहां आपको टॉयलेट अवश्य कर लेना चाहिए। इस जंगल के अंदर गाड़ी रोकना और जरावा जनजाति को खाने पीने की वस्तुएं देना मनाही है, वो कभी भी हिंसक हो सकते हैं और आपकी भाषा भी नहीं जानते, आपके मोबाइल भी छीन कर ले जा सकते हैं। ये वर्षा वन का जंगल है, बहुत घना जंगल है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि टॉयलेट वगैरह
खाने पीने की वस्तुएं भी साथ लेकर आएं, और गाड़ी आप चलाते रहें, लगातार रोकना नहीं है किसी भी स्थिति में गाड़ी। यह प्रतिबंधित एरिया है और मैं आपको जरावा जनजाति की कुछ झलक दिखाना चाहता हूं, और इसके बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, मैं इनके बारे में विस्तार से वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध कराऊंगा। जीरकाटांग से 50 किलोमीटर पर आप चलने के बाद इस जंगल को पार करके आप मिडिल स्टेट में पहुंचेंगे, और मिडिल स्टेट से आपके सामने ये क्रीक आ जाएगा, यानी कि समुद्र वापस आ जाएगा, और ये जो अंडमान ग्रेट ट्रंक रोड है, ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड है, तो इसके बीच में आ जाएगा। तो आपकी जो बस है, यदि आप बस से आ रहे हैं, तो इस जो फेरी फेरी जो जहाज़ दिखाई देता है उसको बोला जाता है, उसमें आपकी बस चढ़ा दी जाती है और दूसरी तरफ बाराटांग की तरफ छोड़ दी जाती है। तो ये मिडिल स्ट्रेट से बाराटांग के बीच की दूरी है, आपको इस फेरी के माध्यम से, सरकारी फेरी के माध्यम से करनी होगी, जिसका किराया है नाम मात्र का है, 10 रुपये, और इतना एन्जॉय होता है, बहुत एन्जॉय आता है। तो इस प्रकार आप यहाँ की यात्रा कर सकते हैं, और मैंने बता दिया कि यहाँ यातायात के लिए मेरी पर्सनल राय ये होगी कि आप टैक्सी बुक कर ले में वो अच्छा रहेगा, बस के अंदर आपको बार बार टिकटें खरीदनी होगी, ये टाइम दिया गया है फेरी का, और इस जंगल में जो गुजरने का जो है वो टाइमिंग है। इस प्रकार यदि आप गाड़ी लाते हैं तो गाड़ी को भी यहाँ फेरी के अंदर चढ़ाया जाता है, और फेरी के बाद का जो दृश्य नज़ारा है बहुत ही शानदार है। तो यदि आप रंगत आइलैंड जा रहे हैं, इसके आगे है डिगलीपुर जा रहे हैं, वो भी आगे है, बहुत ही शानदार है। और बाराटांग तो हम लिए चलते हैं, जिरकाटांग आपको दिखा दिया, और यह है कि यहीं से आप जैसे बाराटांग पहुंचेंगे तो वहां से आपको पेरोट आइलैंड भी आप जा सकते हैं, जरावा रास्ते के अंदर मिल जाएगा। और जरावा जाति के बारे में यदि आप देखना चाहते हैं ज़्यादा संख्या में, तो आप वापस 12:30 बजे वापस कॉनवे खुलता है उसके अंदर आप वापस जाइएगा पोर्ट ब्लेयर की तरफ, तो आपको रोड के ऊपर जरावा जनजाति बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। यदि आप 3 बजे वाले में जाएंगे तो चांसेस कम होते हैं, मॉर्निंग में भी आपको कम मिलेंगे। अब मैं इस ट्रिप का खर्चा भी बताना चाहूँगा कि कितना खर्चा लगेगा। तो आपको शेयरिंग में, मैंने अभी लेटेस्ट यात्रा की, 1800 रुपये मेरे से चार्ज किए थे पर पर्सन, जिसमें आना जाना का किराया और फेरी का सब का किराया, उसमें एक टाइम ना ब्रेकफास्ट था, खाना भी था, और इसके अंदर मड वोल्किनो और एक था लाइम केव। तो ये इतनी यात्रा थी, और जरावा रास्ते के अंदर मिल जाएंगे तो इतना पर्याप्त होता है। और यदि आप इससे आगे जाना चाहते हैं रंगत आइलैंड डिगलीपुर, तो आप जा सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, जितने आप, यदि आपके पास टाइमिंग है तो आप आगे की भी यात्रा कर सकते हो। यहाँ सबसे अच्छा बेस्ट टाइम रहता है दिसंबर और जनवरी, तो यहाँ बहुत ही ट्रैफिक होता है उस समय, और आप ट्रैफिक से थोड़ा सा बचना चाहते हैं तो आप अक्टूबर के लास्ट में और मार्च तक आप आ सकते हैं, और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है, और इससे यदि पहले आएंगे तो काफ़ी बारिश होती है, और यहाँ का मौसम इतना उमस भरा है कि आप हाल बेहाल हो जाएंगे, और आपकी जो यात्रा है वो पूर्ण भी नहीं हो पाएगी, और जितने भी जहाज़ फेरी जितने भी चलते हैं वो हैवी रेनफॉल की वजह से रद्द भी होते रहते हैं। तो अपना जो यात्रा कार्यक्रम है वो नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में बना लें, बेस्ट रहेगा। और यदि आपको सी सिकनेस की प्रॉब्लम रहती है तो इस रूट के अंदर आपको कोई सी सिकनेस की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, छोटा सी क्रीक है, 5-10 मिनट की टाइमिंग होती है, और आप इसमें एन्जॉय कर सकते हैं। तो सी सिकनेस वालों के लिए बेस्ट रूट है। और यदि आप डिगलीपुर जाना चाहते हैं तो उसका टाइमिंग 10 घंटा लगता है, तो सुबह जल्दी करेंगे तो शाम तक पहुंच जाएंगे, और वहाँ रोस एंड स्मिथ आइलैंड है, उसकी भी यात्रा कर सकते हैं, और डिगलीपुर की भी यात्रा कर सकते हैं। बहुत ही रोमांचक यात्रा आपको अलग तरह का अनुभव देगी, और यहाँ का जो मनोरम वातावरण है और नैनाभिराम दृश्य है, आपको मोहित कर देगा, ये मेरा दावा है। उत्तरी अंडमान
अवस्थित डिगलीपुर की यात्रा करना चाहते हैं जो पोर्ट ब्लेयर से 325 किलोमीटर की दूरी है। इसके दो तरीके, सड़क मार्ग जो मैंने दिखा दिया है, इससे आगे एक क्रिक और आएगा, एक बार जहाज़ और लेना पड़ेगा और बाकी सड़क मार्ग है। और यदि दूसरा तरीका है, आप फेरी के द्वारा, सरकारी जो जहाज़ है उसके द्वारा भी आप जा सकते हैं, और वहाँ ये पूरा दिन का समय लग जाएगा। 2 दिन आप डिगलीपुर में रुक सकते हैं, वहाँ होटल्स भी है, और वहाँ रोस एंड स्मिथ आइलैंड है, वो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही शानदार जगह है। और उसके साथ आते वक्त आप मायावंदूर है या मायावंदर है या रंगत है आइलैंड, वो भी देख सकते हैं, और वापसी के अंदर भी आप बाराटांग घूम सकते हैं और इसको उल्टा भी कर सकते हैं। और यहाँ के जो नज़ारे हैं वह इनक्रेडिबल होने वाले हैं, इसलिए आप बड़ा मेमोरी कार्ड ज़रूर साथ लेकर आइएगा मेरी तरह, और आप जी भर के फोटोएँ खींचेगा, वीडियो बनाएगा, अपनी जो स्मृति है उसको चिरस्थायी बनाए रखने के लिए। यदि केवल आप बाराटांग की यात्रा करना चाहते हैं तो ये वन डे का कार्यक्रम है, सुबह आएंगे और शाम तक वापस पहुंच जाएंगे। और यदि आप केवल जरावा जनजाति के लिए आए हैं तो आराम से आप सुबह आइएगा और 12:30 वापस निकलेगा, तो आपको बहुत जरावा जनजाति मिल जाएगी। ये मेरा एक गोल्डन टिप्स है। इस प्रकार की क्रिक देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जरावा जनजाति के बारे में जानना चाहते हैं ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।